नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया। ये फिशर यूजुअली एनल केनाल के अंदर होता है और इसलिए हम इसे एनल फिशर या टेक्निकल टर्म में फिशर इन एनो के नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब है कि एनल केनाल के अंदर एक जख्म हो गया है जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट स्टूल पास होना, लंबे समय तक डायरिया होना, प्रेगनेंसी होना, कॉन्स्टिपेशन रहना। इन सभी कंडीशंस में ये फिशर या जख्म हो सकता है। अब इसके सिम्टम क्या हैं? फिशर की वजह से आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, क्योंकि ये जख्म पेन सेंसिटिव एरिया में होता है, और स्टूल पास करते हुए बहुत तेज़ दर्द होगा जो उसके बाद कई घंटों तक रह सकता है। और क्योंकि ये जख्म है, जब स्टूल्स इससे रगड़ते हैं तो कुछ हद तक ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती और कुछ देर के बाद अपने आप ही रुक जाती है। सो फिशर में दर्द ज़्यादा रहेगा, ब्लीडिंग कम होगी। ये ज़ख्म के आगे बढ़कर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे अगर ये बड़ा हो जाए तो सराउंडिंग एरिया में एक्सटेंड कर सकता है, एक बड़ा ज़ख्म बन सकता है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर इसको टाइमली ठीक ना किया जाए तो इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये फिर आगे बढ़कर क्रॉनिक फिशर हो जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता। इसमें बेसिकली एनल केनाल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, और स्टूल्स पास करते हुए उनके छिलने की वजह से ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये ब्लीडिंग पेनलेस रहती है, और बिल्कुल फ्रेश ब्लड, जैसे लाल खून, जो बिल्कुल ताज़ा खून है, वो हमें स्टूल्स के ऊपर गिरता हुआ दिखता है। अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना कराया जाए तो चलते टाइम के साथ साथ ये पाइल्स बड़े होते रहते हैं, ये एनल केनाल से बाहर आने लगते हैं, उठने बैठने में दिक्कत करते हैं, इसमें दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है, और इसकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ केसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण पेशेंट को अनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकती है। कुछ केसेस में इन पाइल्स में खून जम जाता है, जिन्हें हम थ्रोम्बोस्ट पाइल कहते हैं, जिसमें बहुत तेज़ दर्द होता है, और धीरे धीरे ये खून अंदर ही अंदर अपने आप घुल कर ये पाइल ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में ये पाइल्स बढ़कर एनल केनाल से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, और अगर वहीं फंस जाएं तो स्ट्रैंगुलेट हो सकते हैं, इनमें खून का दौरा बिल्कुल बंद हो सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये एक एमरजेंसी बन जाता है। कॉमनली इसे सिर्फ फिस्चुला के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बेसिकली रास्ता है जो हमारे एनल केनाल और उसकी सराउंडिंग स्किन के बीच में बन जाता है। एनल केनाल में किसी कारण इन्फेक्शन होती है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें बहुत हार्ड स्टूल पास होने से या किसी और कारण इन्फेक्शन हो जाती है, वहाँ पर थोड़ी पस बन जाती है, और अगर इसे टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये पस अपना रास्ता बना लेती है सराउंडिंग स्किन के थ्रू, और ये रास्ता आगे चलकर परमानेंट हो जाता है। दवाइयों लेने से ये बीच बीच में ठीक भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि इस रास्ते से थोड़ी इन्फेक्शन लैटरिन के राही आती रहती है, तो ये बार बार एरिया भरकर फूटता रहता है। जब एक इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ये फूटकर बाहर आ जाती है। फूटने के बाद कुछ दवाइयों लेने से ये कम हो जाती है, पेशेंट को लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से इन्फेक्शन बढ़कर एक बार फिर ये स्किन के राही फूटती है। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप इसका इलाज अब और ही सक्षम तरीके से करा पाएंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हों तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।